नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। शामली जनपद में नेशनल हाईवे में जमीन के मुआवजे को लेकर करीब 22 गांव के लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहाँ उन्होंने बीजेपी नेता अजय टोनी को बड़ा आदमी बताया। वहीं बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला भी बोला। उन्होंने कहा कि जमीन का मुआवजा गांव दर गांव अलग अलग है और सरकार उस हिसाब से नहीं दे रही है। दूसरी ओर आज के नेता बड़े जालसाज हैं, पूजा करते हैं और बलि देते हैं। अरे सरकार तो कह रही कम दे रही, सरकार मुआवजा भाई जितना बट्टा उतना दे दो, मतलब हर गांव का मुआवजा अलग अलग है। आपस में किसानों को भी फंसा रखा सरकार, मुआवजा भाई कम है इस रेट में, जमीन मिलने लग रही है, मुआवजा भी कम है और समस्या है किसानों को। पेड़ का मुआवजा है, पेड़ का है। देखो किसान तो एक बार मिलेगा, उसे जो एक बार मिलेगा वो एक बार मिल जाएगा, उसके बाद में किसान को कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ को बहुत हाईवे निकल रहे हैं, हाईवे निकलेंगे किसान की जमीन में को बगैर किसान की सहमति के यहाँ को निकलने नहीं देंगे। लोग भटके हुए बहुत कड़े लोग हैं आगे। बाबा जी 28 दिन हो चुके हैं, आज किसान पंचायत भी है, क्या कोई हल निकल पाएगा? नहीं निकला अभी। अगली खबर गोंडा से है। सरकार के ट्रिपल तलाक कानून बनने के बावजूद घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गोंडा जिले का है, जहां पर एक महिला को उसके शौहर ने तब 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया, जब उसने दहेज के मुकदमे में सुलह कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला का पति उसको 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने अपर पुलिस अधीक्षक के प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला के शिकायती पत्र पर महिला थाने में समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला आगे बुढ़ारे थाना की रहने वाली है, उसके द्वारा अवगत कराया गया कि उसने महिला थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण माननीय न्यायालय विचाराधीन है। आज माननीय न्यायालय में सुनवाई के बाद समझौते के लिए विपक्षी लोग दबाव डाल रहे थे, जब वो अपनी शर्तों पर नहीं राजी हुई तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि कोर्ट परिसर से बाहर आ करके उन्होंने उसको 3 तलाक कह करके जो है कहा कि अब जो करना है कर लो जा करके। तो उसकी तहरीर पर महिला थाने में धारा 506 और मुस्लिम महिला विवाहों से अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4, जो तलाक अधिनियम की धारा 3 और 4 है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर जो मुकदमा पहले था वो दहेज क्या था? वो धारा 498 IPC का जो परिवार परामर्श के तहत दर्ज किया जाता है अगर समझौता ना होने पर, वो बाद में चार्जशीट के बाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रावस्ती से एक पेट्रोल डालकर युवक को जलाने का मामला सामने आया है। दरअसल माडन थाना क्षेत्र के पटना कोठार में मामूली विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाकर युवक को बचाया, हालांकि आग लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती के मेहरू मुर्तिहा पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल पंप न देने पर भड़के युवक ने पेट्रोल पंप पर तैनात नोजल मैन के साथ की मारपीट, साथ ही दोनों युवकों पर पेट्रोल पंप से कैश छीनने का भी आरोप लगा है। मौका पाकर दोनों युवक पेट्रोल पंप से फरार हो गए। यह पूरी घटना पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई। बाराबंकी के बड़नपुर के पंचायत भवन में चाइल्ड लाइन 1098 ने ओपन हाउस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें बच्चों बालिकाओं की सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि उपनिरीक्षक कमलेश सिंह ने जेंडर भेदभाव नहीं करने और लड़का लड़की दोनों को समान अवसर देने के साथ पढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। थाना रामनगर उपनिरीक्षक विष्णु कुमार शर्मा ने बाल विवाह को रोकने और महिलाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। कार्यक्रम में मंजूलता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजेश्वरी, मंजू देवी, आशा सहित बच्चे और ग्रामीण भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह एक टेलर मास्टर को एक धमकी भरा पत्र मिला। इस धमकी भरे पत्र में लिखा था कि अक्षय बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, नुपुर बहाना होगा, कन्हैया की तरह निशाना होगा, बचेगा नहीं, भाग सकता है तो भाग।
हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्काल पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इस संदिग्ध मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारा कार्य सिलाई का कार्य है, और किस नाम से दुकान है आपकी? ये अक्षय टेलर के नाम से दुकान है। अच्छा, अभी किस तरह की धमकी मिली आपको? ये हमारे पास एक लिफाफा आया है, जो सुबह ही हमने दुकान का शटर खोला तो उसके नीचे से हमें मिला है, और उसमें लिखा हुआ था कि बड़ा देशभक्त बनता है और नूपुर बहाना होगा और कन्हैया की तरह निशाना होगा, और जी इसमें लिखा है कि भाग सके तो भाग, ये इतना उसमें मैटर लिखा हुआ है। तो अब हमें पता नहीं क्यों किसने इस तरह का लिख के हमें भेज दिया, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है वैसे, तो ये चीज़ हुआ है। तो क्या पुलिस कही आपने कि नूपुर शर्मा का कहीं समर्थन किया था? ना ना, मैंने कभी किसी नूपुर का नहीं किया, ना कन्हैया का किया, मैं तो ना सोशल मीडिया पे कुछ वे करता हूँ, मेरे पास तो अगर फोन में भी आता तो हम सिर्फ देख लेते हैं, हम किसी पे कमेंट नहीं करते। धमकी भरा पत्र मिला है, वो किस भाषा में लिखा हुआ है? वो भाषा तो हिंदी ही है और लाल पेन से लिखा हुआ है। उसकी कुछ पहचान हो पाई? ना, उसकी पहचान तो हम नहीं कर पाए। सीसीटीवी कैमरा नीचे लगे हुए हैं, लेकिन वो बंद बताए जा रहे हैं कि मतलब वो रात में बंद कर देते हैं कि रात में कोई आया हो। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नरेंद्र सैनी हैं, जिनके द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर दी गई है, जिनके द्वारा बताया गया है कि इनको इनकी दुकान में कोई धमकी भरा एक पत्र किसी के द्वारा डाला गया है, जिसके संबंध में पुलिस ने इनकी लिखित तहरीर पर भी पंजीकृत किया है, और उसमें जो भी संबंधित वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। अगली खबर बांदा से है। अगर आप अंग्रेजी शराब के शौकीन हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि अब शराब की बंद बोतल में मरी हुई मक्खी भी देखने को मिल रही है, जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ऐसा ही एक मामला बांदा शहर से सामने आया है, जहां एक युवक को शराब खरीदने पर उसमें मरी हुई मक्खी तैरती हुई दिखाई दी, जिस पर युवक ने शराब के दुकानदार को इसकी सूचना दी, लेकिन दुकानदार ने इसे अपनी दुकान की शराब होने से इनकार कर दिया, बाद में उसे दूसरी बोतल दे दी। वहीं इस पर आबकारी विभाग के अधिकारी इसे मामूली सी बात बताते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। नहीं, उसमें कोई दोषी नहीं है, मक्खी पाई गई तो उसको पौवा जरा हम देखे, हमें संज्ञान में अभी पौवा हमें मिला नहीं है, पौवा देखे तो भी हम बतावे, और यदि वो सील बंद वो है तो यहाँ की कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, नहीं वो डिजिटली से बन के आता है, बहुत सारी उनकी बोतलें, ये कंपनी का मैटर है, लोगों के उससे नहीं है, सील बंद है, और ये मक्खी है क्या है जरा हम लोग पौवा देखे तभी तो कुछ हम कुछ बताएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर तमाम तरह की सहायता मुहैया कराने की बात करते हैं, लेकिन बांदा में इससे पलट तस्वीर नजर आ रही है। गुजरे 3 महीनों से एक दिव्यांग न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं जनपद में काबिज योगी सरकार के मुलाजिमों की तरफ से दिव्यांग शिकायतकर्ता को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। एक सड़क दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुके दिव्यांग की शिकायत पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब सदर सीओ ने एक्सीडेंट वाले ट्रैक्टर को हटाकर दूसरे ट्रैक्टर को दिखाने का दबाव भी बनाया। अब ऐसे में दिव्यांग जाए तो जाए कहां? दिव्यांग का आरोप है कि जानबूझकर उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, ताकि आरोपी को बचाया जा सके। डीआईजी ने आश्वासन देते हुए दिव्यांग को न्याय दिलाने की बात कही है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां बकैनिया में ट्रैक्टर चालक ने एक मासूम बच्चे को कुचल डाला, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात्रि की है। इस दर्दनाक घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की घंटों तक नोकझोंक हुई और रोड जाम रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चालक और ट्रैक्टर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के काफी समझाने के बाद ग्रामीण माने और उसके बाद जाम को खुलवाया गया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 70वीं उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र गोंडा उपेंद्र अग्रवाल ने विजेता टीमों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अंतर जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में जनपद गोरखपुर की टीम विजेता रही, दूसरे स्थान पर बस्ती और तीसरे स्थान पर श्रावस्ती की टीम रही। इसके साथ ही महिला वर्ग में जनपद बहराइच की टीम प्रथम विजेता रही, दूसरे स्थान पर बस्ती की टीम और तीसरे स्थान पर जनपद कुशीनगर टीम की जीत हुई। देखिए,
ये गोरखपुर जोन के अंतर्गत 70वीं अंतर जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता थी जो महिला एवं पुरुष दोनों में ही ये संपादित की गई थी। आज इसका समापन था जिसमें मैं उपस्थित हुआ था। इसमें जनपद गोरखपुर जो है पुरुष वर्ग में एवं जनपद बहराइच महिला वर्ग में विजेता घोषित किया गया। ये संपूर्ण टूर्नामेंट जो है निर्विवादित रूप से खेला गया और पुलिस विभाग में पुलिसकर्मी हमारे समय निकाल करके स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मेरी सभी विजेता टीमों से शुभकामनाएं और जो नहीं जीत पाए उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि वो अगले वर्ष और मेहनत करें और अगले वर्ष वो जीतने का प्रयास करें। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।